अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मोरखा 2 अप्रैल 2023 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं अपना छोटा सा जर्नी शुरू करूँगा लाहौर से रायवेंड ML1 पर। कोशिश थी कि सुबह सुबह फरीद एक्सप्रेस से लाहौर से कसूर जाया जाए, ब्रांच लाइन का सफ़र करें, मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ और अब लाहौर से रायवेंड के लिए जा रहा हूँ और इसको इंशाल्लाह कवर करते हैं और टिकट परचेज करते हैं और फिर अपना बाकायदा कवरेज का आगाज़ करेंगे। इकोनॉमी क्लास लाहौर टू रायवेंड, टिकट प्राइस 200 रुपीज़। देखते हैं जी कौन से प्लेटफॉर्म पे खैबर मेल आ रही है। अभी तकरीबन लाहौर पहुंच रही है, 7:05 पर उसका अराइवल है लाहौर पहुंचने का। अब देखते हैं कौन, 7:08 हो रहे हैं और 3 मिनट ट्रेन लेट हो गई है और अभी ये इधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्लेस होगी। ले जी ZCU-20 लीड करता हुआ आ रहा है 2 डाउन खैबर मेल को। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खैबर मेल 2 डाउन प्लेस हो रही है। पेशावर से चलकर अभी लाहौर पहुंच रही है। 6417 लीड करता हुआ आ रहा है ZCU-20। ये खैबर मेल का मेहरून कलर का कोच, जिसकी वजह से खैबर मेल अपने कलर की निस्बत बहुत फेमस है। इसमें डाक की बुकिंग होती है, ये इतनी सारी डाक मुख्तलिफ शहरों में जाएगी। पेशावर खैबर मेल कराची, इस वक्त खैबर मेल की 9 कोचेज़ हैं और अभी मज़ीद कोचेज़ इधर फ्रंट साइड पर अटैच होंगी। इससे जो मौजूदा कोचेज़ हैं वो 2 इसी स्टैंडर्ड कोचेज़ हैं, उसके बाद पावर वैन है, उसके बाद जो डाक वाली कोच है वो है और 4 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की हैं और लास्ट पर है ब्रेक वैन और मज़ीद कोचेज़ अटैच होंगी फ्रंट पे। तो उधर चलते हैं, उधर जाकर भी कैप्चर करते हैं। ऑलरेडी 9 कोचेज़ हैं और अभी मज़ीद देखते हैं कितनी कोच हैं। बताता चलूं कि खैबर मेल 2 डाउन की जो रैक कंपोजिशन की सूरत हाल वो ये है कि 4 कोचेज़ बिजनेस क्लास की हैं, 2 AC स्टैंडर्ड, 1 AC डाइनिंग कार और इसके अलावा 9 कोचेज़ जो हैं वो इकोनॉमी क्लास की हैं, 1 पावर वैन है और 1 खैबर मेल का जो डाक वाला कोच है एक वो है और लास्ट पे ब्रेक वैन है। और यूँ मिला के टोटल कोचेज़ की तादाद 19 है। ट्रेन पीछे को जा रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म से पहले ही स्टेशन है, तो अभी पावर अटैच होना बाकी है। देखते हैं आज कौन सी पावर लीड करती है 2 डाउन खैबर मेल को लाहौर से कराची के लिए। फ्रंट पे इन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे KCR का कोच लगाया हुआ है और ये भी तकरीबन हाफ कोच है, ब्रेक वैन है ऑलमोस्ट। ये भी RG-20 2 डाउन खैबर मेल के रैक को शंट करता हुआ लेकर आया है और अभी ये अनकपल होकर चला जाएगा। 19 नहीं बल्कि
21 कोचिस के साथ खैबर मेल रवाना होगी कराची के लिए, क्योंकि दो लगेज वैन ये ऑलरेडी प्लेटफार्म नंबर 6 पर स्टेशन थी जब आई थी तो अनकपल हुई थी कुछ देर के लिए। और GU40 बड़े नवाब आज लीड करेंगे टू डाउन खैबर मेल को लाहौर से कराची के लिए। GU40 9001 ले जी, GU40 का टू डाउन को लेकर विसल हो चुका है। ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं, शायद लेवल क्रॉसिंग क्लियर नहीं है। लाहौर जंक्शन से चलने के बाद पहला स्टॉप लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन। इधर से भी पैसेंजर्स ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। दो
मिनट के बाद लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है टू डाउन का। जो अगला स्टॉप है वो है कोट लखपत। चलते हैं और कैप्चर करते हैं मज़ीद। ZCU लोकोमोटिव खड़ा है 6428 लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पे फ्रेट ट्रेन को लेकर। अपकमिंग रेलवे स्टेशन है कोट लखपत, उधर स्टॉप होगा। लाहौर से रायवंड का जो माइलस्टोन है वो 46 किलोमीटर है लाहौर से रायवंड। ओह माय गॉड, लाहौर की भी जो पब्लिक है वो बहुत समझदार है कि उनको पता है कि ट्रेन ड्राइवर ने जो गाड़ी है वो कुछ कोचिज स्टेशन से फायर स्टेशन करनी है। तो कुछ आवाम आपने शायद देखा है कि प्लेटफार्म से बिल्कुल बाहर तक खड़ी है और कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे इधर 2 मिनट का स्टॉप है और पैसेंजर्स काफ़ी तादाद में इधर हैं। मेरे ख्याल से 2 मिनट बहुत कम है और 5 मिनट का इधर स्टॉप लाजमी होना चाहिए ताकि पैसेंजर्स इजी सवार भी हो सके ट्रेन पर। 2 मिनट स्टॉप करने के बाद टू डाउन का डिपार्चर हो गया कोट लखपत रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद इस वक्त 75 की स्पीड से थ्रू पास हो रहा है।
आज अप्रैल की 2 तारीख है और लाहौर से रेवन को जाते हुए फोग नज़र आ रही है इस मौसम में भी। फोग लगता है रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा और इस वक्त 103 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से स्पीड अचीव की है खैबर मेल ने। लाहौर से रायवन का जो माइलस्टोन है वो 46 किलोमीटर का माइलस्टोन है मेन लाइन 1 पर। लाहौर से रेवन खैबर मेल एक्सप्रेस पर क्या गरजदार सफ़र है जनाब। पंद्रह मिनट लेट चलकर खैबर मेल एक्सप्रेस रायवन जंक्शन अप्रोच कर रही है। ये रायवन स्टेशन की अबेंडेंट बिल्डिंग टू डाउन खैबर मेल के साथ मैं इस वक्त लाहौर जंक्शन से रायवन आया हूँ। रायवन जंक्शन इधर 5 मिनट का स्टॉप है और 5 मिनट के स्टॉप के बाद ये अपना सफ़र दोबारा शुरू करेगी मेन लाइन 1 पर। 5 मिनट के स्टॉप के बाद टू डाउन खैबर मेल रायवन जंक्शन से डिपार्चर कर रही है GU40 की क़यादत में 9001। रायवन तकरीबन 12 मिनट लेट पहुंची है अपने टाइम से। 8:35 पर अराइवल होता है जबकि 8:47 पर रायवन शहर को जंक्शन क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह रेलवे स्टेशन रायवन को कवर करेंगे।
ये डिपार्चर था टू डाउन खैबर मिल का रावन जंक्शन से। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।